वेलकम बैक टू द सीरीज ऑन एसीएल इंजरीज। मैं डॉक्टर रिताज्योति मुखोपाध्याय, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। पिछली बार हम एसीएल को डायग्नोस कर रहे थे, हम कंफर्म कर रहे थे कि आपका एसीएल इंजर्ड है कि नहीं। वंस वी हैव कंफर्म दैट, देन वी नीड टू डिस्कस कि हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या देंगे आपको। सो जो माइनर ग्रेड ऑफ इंजरीज होती है, जिसमें एसीएल हल्का सा स्प्रेन हुआ होता है, कंप्लीट टियर नहीं हुआ होता, उसमें रेस्ट, आइस पैकिंग ऑफ द नी, मे बी सम पेन मेडिसिंस एंड द यूज ऑफ ब्रेस फॉलोड बाय रिहैबिलिटेशन एंड एक्सरसाइजेस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ दीज इंजरीज, जिसमें माइनर इंजरीज है, वो विदाउट द नीड ऑफ एनी सर्जिकल इंटरवेंशन ही रिकवर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस पैक, रेस्ट एंड एक्सरसाइजेस। बट अगर आपका ACL कंप्लीटली टॉर्न है और आपको इनस्टेबिलिटी के सिम्टम्स हैं, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर गेटिंग अ ACL सर्जरी डन। ACL सर्जरी हम कई प्रकार के करते हैं। अगर आपका ACL थाई बोन से या फिर टीबिया के जो लेग बोन है उससे उखड़ा है, तो हम डायरेक्ट रिपेयर भी कर सकते हैं ऑफ योर नेटिव ओरिजिनल गॉड गिफ्टेड ACL बैक टू द अटैचमेंट, प्रोवाइडेड आप विद इन फर्स्ट 2 to 3 weeks ऑफ इंजरी हमको प्रेजेंट करें। अगर आपकी इंजरी लिगमेंट के बीचों बीच है, या फिर आप 4 to 6 weeks बाद या और लेट हमारे पास आते हैं, तो फिर उस सिनेरियो में हम ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ACL रिकंस्ट्रक्शन के भी कई प्रकार हैं। ACL रिकंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड तरीके से हो सकता है, इंटरनल ब्रेसिंग के साथ हो सकता है, बायोलॉजिकल एडवांस्ड ऑगमेंटेशन के साथ हो सकता है, डबल बंडल भी हो सकता है। आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड रहेगा वो आप हमसे डिस्कस करिए। व्हेन यू कम टू अस, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए एंड चूज द बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन विच इज going to give you the results that you expect. आगे बात करेंगे rehabilitation from surgery के बारे में। ACL diagnose हो गया, treatment हो गया, surgery हो गई, अब आगे क्या? Physiotherapy कैसे होगी, rehabilitation कैसे होगा and return to sports कैसे होगा? जुड़े रहिए, अगले episode में इसके बारे में हम आपसे detail में discuss करेंगे।